अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अॼु पे जो मौज़ू जेको आहे उहो आहे लेजेंड्स ऑफ सिंध, सिंध जा सूरमा। कल बि इन मौज़ू ते पाण कचहरी कई हुई ऐं हीअ जेका प्रेज़ेंटेशन आहे, हीअ जेको लेक्चर आहे उहो हुनजो पार्ट टू आहे। हाणे अॼु जेके ॿिया सिंध जा जेके सूरमा आहिनि उन्हनि जे हवाले सां पाण कचहरी कंदासीं। हाणे ख़ासि जिन्हनि सोरमनि ते या जिन्हनि लेजेंड्स ते पाण ॻाल्हाए चुका आहियूं उन में दोदो सूमरो आहे, मखदूम बिलावल आहे, पीर सफ़तुल्ला शाह राशिदी आहे, अलामा आया काज़ी आहे, कॉमरेड हैदर बख़्श जतोई आहे ऐं साईं जी एम सैयद आहे। इन्हनि शख़्सियतनि जे बारे में पाण कालोके या सते लेक्चर में ॻाल्हि ॿोल करे चुका आहियूं, कचहरी करे चुका आहियूं। अच्छा, हाणे अॼु जी शख़्सियत ते सभिनि खां पहिरीं पाण ॻाल्हाईंदासीं, उहो आहे सूफ़ी शाह इनायत या शाह इनायत शहीद झोक वारो। सूफ़ी शाह इनायत वेल नोन एज शाह इनायत शहीद और शाह इनायत ऑफ झोक। ही इज़ कंसिडर्ड फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर ऑफ सिंध एंड ही गिवन स्लोगन ऑफ द वन हू ब्लोज हैज़ अ फॉरमोस्ट राइट ऑन द यील्ड, जेको पाण वटि मशहूर नारो आहे, जेको खेड़े सो खाए। He was born in 1655 in Miranpur. He traveled to many places of subcontinent for spiritual guidance. त सूफ़ी शाह इनायत मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते जेको आहे ट्रेवल कंदा रहिया पंहिंजी स्पिरिचुअल गाइडेंस जे लाइ। He became student of शाह अब्दुल मालिक इब्ने शाह उबैदुल्ला जीलानी कादरी इन बुरहानपुर। हाणे जेको बुरहानपुर जेको शहर आहे उहो मध्य प्रदेश इंडिया जो शहर आहे, उते वञी करे यानी के साईं जिन सूफ़ी शाह इनायत साहिबु वञी उते ईअं सम्झो जीअं पाण चवंदा आहियूं शागिर्दी वञी हासिलु कई, पंहिंजो उते वञी करे मुर्शिद हथु कई, जंहिंखां रूहानी जेका आहे He established a Montessori Khanqa at Miranpur and distributed his land among the landless peasants. So many peasants left their respective lands to work for Shah Inayat as he had organized collective farming on his lands. Yeah, un zaman mein ek badi gal hui to Sufi Shah Inayat sahab ne jika pehli zameen hui उहा मुख़्तलिफ़ हारियुनि में विरिहाए करे कलेक्टिव फार्मिंग जो कमु स्टार्ट कयो या हिन सिलसिलो शुरू कयो ऐं गॾियल तौर ते उहा फार्मिंग हूंदी हुई। उन में जीअं हारी ऐं ज़मीनदार वारो सिस्टम हूंदो आहे ईअं न हूंदो हुओ ऐं इहा हिकिड़ी बहितरीन ॻाल्हि हुई। ऐं उन ज़माने में सूफ़ी शाह इनायत साहबु मुख़्तलिफ़ जेके इलाइक़नि जा हारी हुआ उन खे जेको आहे दावत घुराए कुझु ॿियनि माण्हुनि खां ॻाल्हियूं ॿुधी करे उते सूफ़ी शाह इनायत साहब वटि पहुता ऐं हुन ॾिठो त हिते हिकिड़ो बहितरीन माहौल आहे। सूफ़ी शाह इनायत साहब ऐं ॿिया जेके हारी आहिनि सुहिणे सुठे तरीक़े सां पाण में गॾु रहनि पिया, त उन्हनि खे बि हिकिड़ी ख़्वाहिश पैदा थी त शाह साहब सां गॾु उते जेको आहे कमकार कजे ॿनी ते, उन्हनि जी ॿनी ते ऐं हिकिड़ी कम्युनिटी तौरु गॾु रहिजे। पोइ जेके बि सूफ़ी शाह इनायत साहब जा जेके फॉलोअर्स हुया, जेके हुन पोइल हुया, जेके साईं मां मुतासिर हुया, उन झोक शरीफ़ में बसगिरदाए में साईं सां गॾु रहण लॻा। सूफ़ी इनायत शाह हा द लैंडलॉर्ड्स एंड ऑर्थोडॉक्स मुल्लास देन अलाइंड अगेंस्ट हिम एंड कंप्लेंट टू मुगल गवर्नर आज़म खान, गवर्नर ऑफ ठट्टा सरकार, दैट शाह इनायत वॉज ट्राइंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। उसे पासे जे मुलनि खे ऐं उसे पासे जे ज़मीनदारनि खे जॾहिं इहा ख़बर पई त सूफ़ी शाह इनायत साहबु अहिड़े क़िस्म जो कमु पियो करे ऐं सभिनि खे चए पियो त भाउ जेको खेड़ो सो खाए, त उन्हनि मुलनि खे ऐं उन्हनि ज़मीनदारनि खे वॾेरनि खे अची करे तकलीफ़ थी ॾिठो। हाणे हीअ जेकॾहिं सिलसिलो शुरू थियो ॿिया माण्हू हिन जे कढ लॻा हिन जे पोयां लॻा त हीअ असांजे लाइ वॾो मसिलो थियो, छो सदियुनि खां जेके जागीरूं संभाले वेठा हुआ या मुला जेके मदरसनि जी मस्जिदनि ते कब्ज़ो कयो वेठा हुआ उन्हनि ॾिठो जेकॾहिं हीअ सूफ़ी बुज़ुर्ग माण्हुनि खे ईअं गाइड थो करे त उन्हनि जी जेका हुकमरानी आहे उन ते हिकिड़े क़िस्म जो धक लॻंदो या उन्हनि खे नुक़सानु थींदो, त उन्हनि उन खे कंटेन करण जे लाइ
जो ठटे जी सरकार हुई उन जमाने जी उने में जो मुगल हुक्मरान हुआ आजम खान उन जो गवर्नर हुए उन्हें की वही शिकायत दिनी इन पीर साहब के रोको सूफी शाहनायत के रोको न तो न सिर्फ असा मसला पैदा करो सुबह तहानी गवर्नमेंट भी लोडे में इंदी सूफी शाहनायत राइजिंग राइजिंग इंफ्लुएंस among his followers in the area of lower sindh thatta sarkar ji cho bindu caused much discontent in mian yar mohan kalodo sindh was divided in three parts of that time bakhar sarkar sehwan sarkar and thatta sarkar acha mian jo yar mohan kalodo kalodan jo samjho to shuruati zaman unni government jo un zamane mein सिर्फ ये उत्तर सिंध ते विचोले सिंध के कुछ इलाकन ते इन्हें हुकूमत हुई सिंध उन जमाने में टिन हिस्सन में विराए हुए बखर जो इलाको हो उन्हें में कलोड़न की हुकुमरानी हुई सेवण वाले इलाके ते कलोड़न की हुकुमरानी हुई जो लोअर सिंध आ लाड़ ठट्टे में उनको जो ये समझो कैपिटल हों उन्हें वरी मुगल गवर्नर बहंदा सो उन्हनि खे उत्तर सिंध वारनि खे ऐं विचोले सिंध वारनि खे जॾहिं ख़बरूं पहुचियूं सूफी शाहनायत साहिब अहिड़ो नारो हयो आहे इलाही सारा माण्हू हज़ारनि जी तादाद में हुनजे पोयां लॻल आहिनि त हुननि खे बि जी ख़तरो थियो छाकाणि उन्हनि जे ज़हन में वरी पंहिंजी प्लैनिंग हुई हू पाण लोअर सिंध ते पंहिंजी गवर्नमेंट क़ाइमु करणु पिया चाहिनि हुन ॾिठो त जेकॾहिं सभु सिंधी जेके माण्हू आहिनि उहे हिन जे कढ हूंदा असांजे कढ केरु लॻे कोन थो त पोइ हुननि खे पंहिंजी हुकमरानी क़ाइमु करण में मुश्किल थींदी सो हुननि बि सूफी शाहनायत साहब खे मुंहुं ॾियण जे लाइ या उन सां मुहारो अटकाइण जे लाइ मुग़लनि सां वञी करे हथ मिलायो कलहोड़ो द फस्ट रूलर ऑफ कलहोड़ा डायनेस्टी स्ट्रोव टू कंसोलिडेट हिज पावर अक्रॉस सिंध बट फाउंड द सोशल मूवमेंट ऑफ सूफी शाहनायत अ हर्डल इन रियलाइजिंग हिज एम्बिशन इहा मूं तव्हांजी ॻाल्हि ॿुधाई त उन खे सूफी शाहनायत जी जेका तहरीक हुई उन जेको उथारियल आवाज़ हो हारियुनि जे लाइ ग़रीब माण्हुनि जे लाइ हिकिड़ो रंडक जे तौर ते लॻो उन ॾिठो जेकॾहिं ईअं थियो जेकॾहिं सोचो त ईअं जेकॾहिं थियो त हीअ असांजी हुकूमत जे लाइ असांजे जेको आहे अख़्तियार जे लाइ इहो वॾो ख़तरो हूंदो अच्छा हाणे हिननि पाण में जेके वॾेरा हुया मुला हुया ऐं उन ज़माने जा जेके हुकमरान हुया उन्हनि पाण में गॾिजी करे हिकिड़ो गठजोड़ जोड़े हिकिड़ो हिकिड़ो ईअं सम्झो त पाण में हिकिड़ो इतिहाद उन्हनि जोड़ियो त कहिड़े तरीक़े सां इन खे रुकजे ऐं नेठि ॻाल्हि उते वञी पहुती जो उन्हनि जेको आहे दिल्ली सरकार ताईं वञी इहा शिकायत कई त जेको मुलनि जी जेका सेंट्रल गवर्नमेंट हुई उनजो कैपिटल सिटी जेको दिल्ली हुयो त उन्हनि ओसी ताईं वञी करे शिकायत कई त सूफी शाहनायत साहब खे कंटेन करिणो आहे उनखे रोकणो आहे उतां अप्रूवल वरितऊं इन सां झेड़े करण जो या इन सां विहण जो सूफी शाहनायत साहब सां मुगल आर्मी लोकल लैंडलॉर्ड्स पीस मुलाज ऐं टालपुर सोल्जर Soldiers collectively attacked Jhok Sharif, but they were unable to defeat followers of Sufi Shahnayat. अच्छा हाणे हिते टालपुर जे करे मूं चयो आहे जेको हिननि जो हुयो कलोड़नि जो जेको सरदार हुयो आर्मी जो ईअं खणी चयो जेको जर्नेल हुयो उहो पाण टालपुर हुयो ऐं उन खां अलावा जेके उन इलाइक़े जा मुला हुया या वॾेरा हुया उहे सभु गॾिजी करे कलोड़नि सां ऐं मुग़लनि सां सूफी शाहनायत साहब सां विहण जे लाइ तयारु थी विया अ सेज वाज लेड ऑन टाउन ऑफ जोक फॉर अबाउट फोर मंथ्स चार महीननि ताईं उन्हनि पूरे जोक शरीफ खे घेरे में आंदो बट शाहनायत फॉलोअर्स गेव स्टिफ रेजिस्टेंस हाणे उन्हनि रेजिस्ट कयो ऐं उहा जेका रेजिस्टेंस हुई उहा एतिरी स्टिफ हुई एतिरी ईअं सम्झो सख़्तु हुई त हू सूफी शाहनायत साहब खे गिरफ़्तार करण या उनखे ईअं सम्झो शहीद करण में कामयाब न पिया थी सघनि शाहनायत वॉज प्रिपेरिंग टू अटैक द इनवेडर्स ऑन फस्ट जनवरी 1718 वेन द कलोड़ा चीफ सेंट शहदाद खान टालपुर with the Quran to invite Shah Inayat for peace talks.
हाँ यो एक टूल हों जो जे हुकुमरान तबका रहा है या शहन में रखो उन्होंने मजहब के टूल यूज किया मकसद के पूरा करने के अज के दौर में भी थे तो मजहब के धर्म के रिलीजन के ही यूज कंदा हुकुमरान तबका पैं मकसद के हासिल करने के लिए पैं मकसद के हासिल करने के लिए मान बेवकूफ़ ठाने के लिए अच्छी बुधाई तो वा मजहबी वा मजहब जहा पोलग आन वा मजहबी पर हकीकत ये न होंगी वो सिर्फ मजहब के टूल तौर यूज कंदा ये समझो तो तरीके तौर यूज कंदा तो जो पैं मकसद में कामयाब थी सकन इतने वो असा की कहानी कुरान शरीफ खणाए कर मोकलो वो इनके तरफा जो हुकुमरान की तरफा हुकुमरान हुआ तो जी शायना हिसाब से गाल कजन ठा कज तो यो सो मामलो हल थी सके। However, when Shah Inayat met with Mia Yar Mohammad Kalodo for talks, he was arrested, brought to Thatta and presented to Mughal governor. And iha hui unan ji policy iha khri chaje di jo akhlaq unan jo Quran Sharif dyare kare mokliun galhen je lai tha je lai ai jadon un yakin ki waqai galhen chain tha to Sufi Shah Inayat ki panwat ghurayo te giraftar kayu aur Mughalan je hawale kare. Shah Inayat was questioned and beheaded a few days later on 7th January 1718. And the people who were Shah Inayat sahab ke ghurayin, not hoon to pakde na pa sakan, tamam ghani jeko aun ke mazahmat jo mo lisno pe bhiya jeke sain ja follower hua ya jeke unja murid hua ya jeke koila hua jo vidhan tha pa tezi tamam jeko sakht namune unje kare tarike sa ek trick sa jeko Sufi Shah Inayat galen je lai ghurayin उत्ते गालन के बहाने से गिरफ्तार कर मुगलन के हवाले क्यों मुगलन कुछ डीन के अंदर 7 जनवरी से 1718 में Sufi Shah Inayat साहब के शहीद कर अच्छा उन्हीं का जो बो सुरमो है या बो जो लेजेंड है वो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई शाह साई का केर वाकुन जो सिंधी पोइट्री का सिंधी शायरी का थोड़ी दिलचस्पी रखे तो उनके जरूर खबर होंगी तो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई जो जो रोल है सिंधी पोएट्री में ओवरऑल की है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई वाज अ सिंधी फिलोसोफर मिस्टिक एंड पोएट शाह साईं न सिर्फ शायर हुआ पर एकड़ा वड़ा दाना डहा हुआ वड़ा एकड़ा सूफी बुजुर्ग हुआ ही इज कंसीडर्ड ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ साउथ एशिया एंड द वर्ल्ड शाह साईं जी का शायरी है उनकी गहराई है बोली जी का खूबसूरती है शायरी जो जो घाड़ेटो उन हिसाब से ऐसे तो शाह साई सिंध जहाँ हूँ ही अजीम शायर आन पर साउथ एशिया दुनिया जहाँ बड़े में वा शायर समझा वा उनके वो शायर चई सकते तो ही वॉज बॉर्न ऑन 18th November 1689 1699 में शाह साई की जी है पैदाइश थी है It is believed that around 30,000 new words in Sindhi language were added through poetry of Shah Sain. Yani Shah Sain ji shayari ke zariye Shah Sain Sindhi boli mein yo samjho to vanje 30,000 ka vadhik lafz Sindhi boli sa ye samjho to vadharo kayo hue add kiya. Shah jo risalo Shah's book of poetry is one of most popular and respected books in Sindh. Shah Sain jo risalo ta khabarat paan wat तमाम घो उनको एहतराम किया तो वे वो मकबूल है सिंध में सिंध का बाहर जिते सिंधी रहन था उन शाह जो रसालो तमाम घो मकबूल है सिंधी पीपल मेमोराइज हिज पोएट्री टू प्रेजेंट और सिंग इन द इवेंट्स अस मुख्तलिफ इवेंट्स में या मुख्तलिफ तकरीबन में कोई शादी हुजन कचहरी हुजन या बिहार महफिल मौसीकी जहाँ प्रोग्राम हुजन तो शाह साई की शायरी के उनमें गायो वे तो शायरी एक बे के बुधाई वे थी ही इज वन ऑफ फ्यू पोएट्स हूज पोएट्री बीन यूज एज रेफरेंसेस एक्सप्रेशंस और एग्जाम्पल्स रिपीटेडली एंड एक्सटेंसिवली इन राइटिंग्स स्पीचेस एंड पर्सनल गैदरिंग्स तमाम चंद शायर होंगे जिन्हें शायरी के पैंजे दिल के इजहार के लिए पैं दिल के ये समझो तो फीलिंग्स के इजहार के लिए मुख्तलिफ जगह यूज कबो है मिसाल तौर स्पीचिस में राइटिंग्स में या जी जाती कचहरी होंगे उन कचहरी में शाह साई के थ्रू आउट सिंध
अञा ताईं वॾे पैमाने ते शाह साईं जी शायरी खे उन्हनि जे शेरनि खे बैतनि खे मुख़्तलिफ़ जायुनि ते इस्तेमालु कयो वेंदो आहे राइटिंग्स में. जेको माण्हू आर्टिकल लिखंदो, को बुक लिखंदो या स्पीचिस कंदा आहिनि, जेके बि सिंधी दोस्त असांजा, उहे जेको जिथे बि कंदो हुजे उहो शाह साईं जी शायरी खे रेफरेंस तौर बि यूज़ कंदो आहे. ऐं हुनजे दिलि में जेका फीलिंग हूंदी आहे उनखे इज़हारनि जे लाइ, हुनजे इज़हार जे लाइ पिण शाह साईं जे बैतनि जो इस्तेमालु कंदो आहे. त इहो शाह साईं जी जेको शायरी जो असरु आहे या हुनजे पॉप्युलर या मक़बूल हुजण जी ईअं सम्झो थी हिकिड़ी निशानी आहे. He has used women characters as heroines in his poetry, which is unique. अॻ में शाह साईं खां अॻ में मुख़्तलिफ़ शायर मुख़्तलिफ़ जेके कैरेक्टर्स आहिनि वुमेन जा उन्हनि ते लिखंदा रहिया आहिनि, पर शाह साईं उनखे हिकिड़े अलॻि परस्पेक्टिव खां पेश कयो आहे. शाह साईं जा जेके कैरेक्टर्स आहिनि, वुमेन कैरेक्टर्स आहिनि, उहे सिर्फ़ कंहिं कहाणी जो हिसो न आहिनि, किसे जो हिसो न आहिनि, बल्कि उहे सूरमियूं आहिनि. उहे कैरेक्टर्स ईअं सम्झो त उन्हनि खे उन्हनि जी ब्रेवरी खे, उन्हनि जी वफ़ादारी खे, उन्हनि जी ॾाहप खे हिकिड़े एग्ज़ाम्पल तौरु पेश कयो वियो आहे साईं जी शायरी में. त इहो हिकु यूनिक मिसाल आहे जेको तव्हांखे ॿिए कंहिंजी शायरी में कोन मिलंदो. He has been source of inspiration for thousands of Sufi poets, modern poets, writers and scholars. साईं जी शायरी, शाह साहब जी शायरी कई सूफ़ी पोइट्स जे लाइ, स्कॉलर्स जे लाइ, जेके मौजूदा शायर आहिनि उन्हनि जे लाइ, लेखकनि जे लाइ, ॾाहनि जे लाइ इंस्पायरेशन रही आहे. उन मां इंस्पायर थींदा रहिया आहिनि अञा वधीक सोचण जे लाइ, अञा वधीक फलोरण जे लाइ. त शाह साईं जी जेका शायरी आहे उहा माण्हुनि खे इंस्पायर कंदी रही आहे. ही डाइड इन ऑन 1st January 1752. शाह साईं जी जेका वफ़ात थी आहे उहा 1st January 1752 ते थी आहे. सो हू त शाह साईं जो सॼो रिसालो जेको आहे तमामु ख़ूबसूरत आहे, जिथां को बैत खणो तव्हांखे वणंदो. हिकिड़ो मूं हिन में एड कयो आहे बैत, उहो आउं हिते पढ़णु चाहींदुसि. कारी राति कचो घड़ो, कारी राति कचो घड़ो उणटीह ऊंधाई, कारी राति कचो घड़ो उणटीह ऊंधाई, चंड नालो नाह को दरियाह दड़ लाहे, साहड़ कारण सुहणी आधी राति आई, इहो कमु इलाही नात कुननि में केरु घिड़े. यानी उहो जेको सुहिणी जे अंदर में जेका मुहबत हुई उहा ईअं सम्झो त ख़ुदा जे तरफ़ां उहा विधल मुहबत हुई, न त केरु कुननि में, केरु तकलीफ़ुनि में केरु थो घुड़े. या सुहिणी हुई जेका दरिया में पंहिंजे महबूब जे लाइ ऐं पंहिंजे जेको आहे साहड़ जे लाइ ईअं अंदरि घिड़ी पई, त इहो अंदर में जेको हुनजे दिलि में मुहबत हुई साईं जो चवणु आहे त उहा इहो इलाही कमु हुयो, उन ख़ुदा ताला जे तरफ़ां विधल मुहबत हुई. अच्छा, उन खां पोइ जेको ॿियो असां वटि सोरमो आहे या चवण जेको असां वटि लेजेंट आहे उहा मिर्ज़ा कलेज बेग आहे. मिर्ज़ा कलेज बेग वॉज फेमस स्कॉलर एंड राइटर ऑफ सिंधी लिटरेचर. सिंधी अदब जो तमामु वॾो नालो आहे मिर्ज़ा कलेज बेग. ही वॉज बॉर्न ऑन 4th October 1853 इन हैदराबाद. 1853 में मिर्ज़ा कलेज बेग हैदराबाद में पैदा. He wrote 457 books. He wrote 457 books in 43 disciplines including chemistry, physics, biology, zoology, plant sciences, Sindhi literature and anthropology, and in over 8 languages. यानी कि 8 ॿोलियुनि में उहे साईं किताब लिखिया, इनक्लूडिंग सिंधी, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश, वाइल ही न्यू 25 लैंग्वेजिस एज़ अ होल. इहो चयो थो वञे त मिर्ज़ा कलेज बेग साहब 8 ॿोलियुनि में लिखंदा हुआ, उन खां अलावा 25 ॿोलियूं ॼाणंदा हुआ. इहो हिकिड़ो वॾो तादादु आहे त साईं जिन ॿोलियुनि जा वॾा माहिर हुआ मिर्ज़ा कलेज, भले मिर्ज़ा कलेज बेग साहब. He was one of few writers who started to write stories and novels in Sindhi literature. Mirza Kalej Beg sahab unhan shuruati lekhakan ma hua jinan kahaniyan te ai novelan te kam shuru kayo. Agme Sindhi mein novel ta ke kon milando hundo ya kahaniyan te etro kam kon thiyal hoyo. Mirza Kalej Beg sahab jeko hoyo wo shuruati unhan writers ma hoyo जिन्हनि नावेल जी जेका सिंफ़ आहे, कहाणी जी सिंफ़ आहे, उन ते कमु कयो ऐं सिंधी लिटरेचर में उनखे मुतारिफ़ करायो.
His writings and books had been source of inspiration and learning for Sindhi writers and researchers. ज़ाहिर है जेका शुरुआत में शइ अचे त मिर्ज़ा साहब जेका शख्सियत आहे उहा सभिनी जे लाइ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन त हुई ई सही ऐं उनखां अलावा उहा ॿियनि माण्हुनि जे लाइ ॿियनि राइटर्स जे लाइ ईअं सम्झो त उहा रहनुमाई तौर बि उनखे चई सघिजे थो त मिर्ज़ा साहब जेका शख़्सियत आहे या उन्हनि जूं लिखणियूं ॿियनि जे लाइ रहनुमाई साबित थी, उनजे लाइ गाइडेंस साबित थी, उन मां सिखी करे ॿिया राइटर्स अॻिते लिखंदा हुआ पंहिंजनि सिंफनि ते. ही डाइड ऑन 3 July 1929. मिर्ज़ा साहब जेका वफ़ात थी आहे उहा 3 July 1929 ते थी आहे. उमर बिन दाऊद पुटु. Umar bin Daud Potto was a famous scholar, researcher, historian and linguistic. Hane Umar bin Daud Potto ahe pan wado dana hoyo, alim hoyo, tarikhdan hoyo ai bolin jo mahir hoyo. He was born on 25th March 1896 in Talti, Dadu. Dadu mein jeka Daud Potto sahab ji jeka ahe paidaish thi ahe. He studied in Ladkana, Noshar of Feroz, and then in DJ Science College, Karachi, where he got first position. Utte sai pehri position hasil kai, ai jo ba tamam suthan numbran sa pass thya. The government of India awarded him a scholarship for higher studies at Cambridge University. Ani jo ba government of India hui unhone ditho thi edo jo ba hoshyar shagird hai, edo behtareen shagird hai ta गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जेका ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुई उन ज़माने में दाऊद पोटो साहब खे उन्हनि जेको आहे स्कॉलरशिप ॾिनी कैम्ब्रिज में पढ़ण जे लाइ. इन 1927 ही रोट हिज डॉक्टरल थीसिस एंटाइटल्ड द इफेक्ट ऑफ अरेबिक पोएट्री ऑन पर्शियन पोएट्री एंड गॉट द डिग्री ऑफ PhD. त अरबी ॿोली जा फारसी ॿोली ते कहिड़ा असर आहिनि इन नाले सां असां थीसिस लिखिया या तहक़ीक़ी जेको आहे पंहिंजो मवादु लिखियो ऐं जेको आहे PhD जी डिग्री हासिलु कई. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज डॉक्टरल डिग्री ही रिटर्न टू हिज होमलैंड इन 1927 एंड वॉज अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल ऑफ सिंध मदरसतुल इस्लाम. त सिंध मदरसतुल इस्लाम में एज प्रिंसिपल सां अपॉइंट थिया जी वापसि आया. त उन खां पोइ ही वॉज अपॉइंटेड Director of Public Instruction in Sindh in 1939, taking over Khan Bahadur Ghulam Nabi Qazi. Agme Khan Bahadur Ghulam Nabi Qazi ine matlab idare mein director hua, unne khan po 1949 khan Daud Potto sahab ki zimmedari de di. He was given the honorary title of Shamsul Ulama, son of the scholars, from the British government in 1940. साईं जूं जेके इल्मी ख़िदमतूं हुयूं दाऊद पोटो साहब जूं उन्हनि जे करे जेका ब्रिटिश गवर्नमेंट हुई उन तरफ़ां उन्हनि खे शम्सुल उलमा यानी के जेके दाना आहिनि ॾाह आहिनि उन्हनि जो सिज जो लक़ब मिलियो. ही वॉज़ अ मेंबर ऑफ द पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन फ्रॉम 1950 to 1955. दाऊद पोटा डिड हिज स्कॉलरली रिसर्च इंग्लिश अरेबिक पर्शियन एंड सिंधी. His fields of research included history, poetry, criticism, biography, religion, and Sindhi literature. He wrote more than 24 of books and number of columns and essays. So science jo kam ahe wo tamam jo wasi paimane te thyo ye samjho to 2 darjan khan vadhik science jin kitab likhya un ka ilawa column likhyo mukhtalif mazmoon likhyo ऐं उनमें मुख़्तलिफ़ मौज़ुअनि ते जेको आहे मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि में साईं कमु कंदा रहिया. ही डाइड ऑन 22 November 1958 इन कराची. 1958 में कराची में दाऊद पोटो साहब जी वफ़ात थी. मोहम्मद हुसैन पहवर या जंहिंखे पाण साईं MH पहवर बि चऊं था. MH पहवर वॉज स्कॉलर, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, लिंग्विस्टिक एंड हिस्टोरियन. साईं पाण जेको आहे ज़राइत जा तमामु वॾा जेको आहे ईअं सम्झो आलिम हुया. हू पाण दाना हुया ऐं ॿोलियुनि जा माहिर हुया ऐं तारीख़दान हुया. ही वॉज़ बॉर्न ऑन 25th December 1925 इन दादू. दादू में पैदा थिया MH पहवर साहब
1925 में, 25 दिसंबर 1925 में। प्रोफेशनली ही स्पेशलाइज्ड इन ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट, अर्थ मूविंग एग्रीकल्चरल मशीनरी, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी कंट्रोल, ड्रेनेज एंड एग्रीकल्चर। तो प्रोफेशनली इन्होंने एग्रीकल्चर से लगापल मानू, सॉइल साइंस से लगापल मानू, जो मौजूम थे साइंस जिन जो महारत हासिल कई या उनमें स्पेशलाइजेशन जो हासिल कई। इन 1964 ही एस्टैब्लिश्ड अ एग्रीकल्चरल रिसर्च फार्म। उन वक्त में 1964 में जरायत ते एक तहकीकी फार्म हो, तो एग्रीकल्चर फार्म ही हो पर तहकीकी मकसद फार्म कायम क्यों, फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू फ्रूट क्रॉप्स सूटिंग क्लाइमेट ऑफ सिंध इन 1985 एंड हैज डेवलप्ड मेनी न्यू वैरायटीज ऑफ फ्रूट क्रॉप्स विच इंक्लूड 17 ऑफ मैंगो एंड 6 ऑफ लाइची एंड मेनी अदर्स। सिर्फ 17 अंब जो नई जिन्सू मुतारिफ करायूं पैं तहकीक के जरिए तहकीकी कम के जरिए। ही वॉज ऑथर ऑफ 36 बुक्स ऑन कल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, मेनी ऑफ देम आर नॉट प्रिंटेड येट। हाँ साई जो काफ़ी सारा किताब छपियल है पर काफ़ी सारा किताब अड़ा भी जी अणछपियल। He had published more than 500 pages on various aspects of Sindh. 10 more books on Sindh are ready for press. यह शायद इतनी वाली सुनाई जा रहा है कहाँ वादी कड़ा किताबें जिसकी सिंध जो मुख्तलिफ जावियन सांझे के लिखे लाए न उनमें तारीख ते भूंदा बोली ते भूंदा वे सुनाई जा किताबें ना आने चाहिए लाए। His personal library has more than 50,000 non-fictional books, almost equally divided on Sindh, horticulture, engineering, and environment. Mr. M.H. Mahawar died on 21st April 2007 in Latifabad, Hyderabad. Simon, what जो मवाद मौजूद हुए हो या हाने वरी उन्हें जाहिरा औलाद वट जो वो मवाद लाइब्रेरी में मौजूद हों दो उनमें 50,000 का वधी बुक्स हैं जेके नॉन फिक्शनल हैं, मतलब उनमें फिक्शन जब बुक ना है नावल या कहानी ना है पर उनमें तहकीकी किताब हों दा तारीख या किताब हों दा ये सारा मवाद मौजूद है। आई उनके अलावा जो साईं जी डेथ थी आए हुआ 21 अप्रैल 2007 में लतीफाबाद हैदराबाद। उन्हीं का पोज़ का शख्सियत आया जिसे पान गाले हैं उनका वो आये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन फ्रॉम लाड़काना सिंध। ही वाज बोर्न ऑन 5th जनवरी 1928 इन गड़ी खुदाबख्श रतो देरो लाड़काना। जो साईं जो वालिद हुए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो वालिद हुए वो सर शाहनवाज भुट्टो जो वो पान भी मशहूर पॉलिटिशियन हुए सिंध की बम्बई का आजादी वाली जदोजहद में सर शाहनवाज भुट्टो जो रोल रहो। ही सर्व्ड एज द 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1973 टू 1977 एंड प्रियर टू दैट उन अग में 4th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1971 टू 1973। ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड सर्व्ड एज इट्स चेयरमैन अंटिल हिज एग्जीक्यूशन 1979। हाँ हूँ तो पॉलिटिकल जो कैरियर है भुट्टो साहब जो वो तो काफ़ी अर्से अग का शुरू थे तो पर एज प्राइम मिनिस्टर 1973 का 1977 तीन पाकिस्तान के सर्व क्यों प्रेसिडेंट तौर 1971 का 1973 In 1947, he was admitted to the University of Southern California to study political science. 1947 में California जी university में जो को आप political science पढ़ने जलाए होते दाखिल था। In 1949, Bhutto transferred to University of California, Berkeley, where he earned BA honors degree in political science in 1950. 1950 में political science की जगह है degree जो को honors जी वह हासिल कर। इन जून 1950 भुट्टो ट्रेवल्ड टू यूनाइटेड किंगडम टू स्टडी लॉ एट क्राइस्ट चर्च ऑक्सफर्ड एंड रिसीव्ड
an LLB followed by LLM degree in law and MSc honors degree in political science. तो एजुकेशन में भुट्टे साहब जो जो बेस आए यकड़ी जजे तमाम मजबूत हो आई पॉलिटिकल साइंस में एमएससी कई उनखा अलावा एलएलबी एलएलएम हो गया. In 1957, Bhutto became the youngest member of Pakistan's delegation to United Nations. He addressed the UN 6th Committee on Aggression that October and led Pakistan's delegation to the first UN conference on the law of sea in 1958. तो शुरुआत में 1957-58 के जमाने में जरा डेलीगेशन जो हिस्सो हुआ पान भुट्टो साहब द यंगेस्ट मेंबर हुआ उन डेलीगेशन जा. ही हैड बीन वर्किंग एज मिनिस्टर इन वेरियस मिनिस्ट्रीज इन लेट 50s एंड 60s एंड ही आल्सो वर्कड एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1963 टू 1966 ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ जनरल अयूब खान. जनरल अयूब खान के जमाने में हूं तो काफी मिनिस्ट्रीज में रहा मुख्तलिफ जो पोर्टफोलियो उनके दिसना रहा पर जो सभी का ये समझो तो उनके पॉपुलर थे वो जमानो हो दुनिया में जो ग्लोबली जो भुट्टो साहब के डिठो हो मुख्तलिफ लीडर्स गाले इंटरेक्शन कहते वो जो फॉरेन मिनिस्टर थे एज फॉरेन मिनिस्टर 1963 का वही 1966 तयूब के जमाने में एक्टिव रहा. अच्छा उन्हें 1966 वाले जमाने का भुट्टो साहब अयूब खान से इख्तलाफ के करे पॉलिटिकल पार्टी ठाई. भुट्टो फाउंडेड द पीपीपी इन 1960 एंड कंटेस्टेड जनरल इलेक्शंस इन 1970. 1970 वाली इलेक्शन भी टिन साल के अंदर ही इतो बेस ठाया तो तमाम वे पैमाने से सीटू खटे आए. वाई द अवामी मुस्लिम लीग वन अ मेजोरिटी ऑफ सीट्स. The PPP won seats in West Pakistan. The two parties were unable to agree on a new constitution, in particular the issue of six-point movement, which many in West Pakistan saw as a way to break up the country. This confrontation led to division of Pakistan. And this is a turning point in Pakistan history, which in वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान एक बे जे बिल्कुल आमू सामू 1971 इलेक्शन हुई इन्हें में ओवरऑल अवामी लीग वधिक सीटू खटे आई पीपल्स पार्टी का पर हिते सेंटर में वेस्ट पाकिस्तान में जेका एस्टेब्लिशमेंट हुई उहा पावर में न पी अचण डे कंहिंखे अवामी लीग के. तो जाहिर भुट्टो साहब उन वक्त में गड बीठल हो इस्टेब्लिशमेंट से इन विच में अवामी लीग के विच में भुट्टे साहब के विच में गाल हलंदड़ हुई पर वो कें नतीजे न पहुंची सकूँ. ईस्ट पाकिस्तान में एक बगावत शुरू थी वही बगावत के दबाने के लिए फोर्स जो इस्तेमाल थो फोर्स के इस्तेमाल के नतीजे में तमाम वही जंग लगी उनमें इंडिया बंगालियन के तरफा जो उतरे विढ़ो उनमें लखन की तादाद में जी बंगाली शहरी हुआ बंगाली हुआ उ मारिया वो वो कतलेआम थो खी चो इंसानी साने हो जंग हुई उन जंग के नतीजे में ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान का अलग थी करे बंग्लादेश थी हो. पर तारीखी तौर तो यो चई सके तो भुट्टो साहब इन सजे मामले में इस्टेब्लिशमेंट से दौर में गड बीठो रो या तारीखी हकीकत. हाँ, after a humiliating defeat and division of Pakistan in 1971, Bhutto played key role to rebuild Pakistan and boost morale of Pakistan army. By July 1972, Bhutto recovered 43,600 prisoners of war and 5,000 square miles of Indian held territory after signing the Shimla Agreement. And 1971 wari jang mein ekdi tamam badi shikast aayi Pakistan ke West Pakistan ke. And unme zahir army morale down ho tamam ghano. And Bhutto sahab un morale ke boost karan je lai Pakistan ke rebuild karan je lai tamam
अहम रोल प्ले कर वाइटल रोल प्ले कर बुनियादी किरदार अदा कर भुट्टो साहब ही हो जै हजार की तादाद में जो फाथल हुआ फौजी जो वार जहाँ प्रिजनर्स हुआ वार प्रिजनर्स हुआ उन्होंने आजाद कराया हजारे स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया इंडिया के कब्जे में हो वो आजाद कराई थ्रू शिमला एग्रीमेंट इो ही वो दौर हो जिन दौर में भुट्टो साहब इन कामयाबियों के कर एक पावरफुल लीडर तौर पाकिस्तान में सामू आ His foreign policy paved way to create understanding among leaders of Muslim world and Pakistan hosted second Islamic summit in 1974 at Lahore. Na sirf internally tamam mazboot hoyo par international stage te Bhutto sahab hikde mazboot ai hikde active leader taur samu aayo ai international jaka jaka Islamic summit hui Musliman mulkan ji उनमें एक्टिव हुए पहरी में बी जगह समिट थी वह लाहौर में भुट्टो साहब पान होस्ट कई जैमें दुनिया के काफ़ी सारे मुस्लिम जो मुल्क लीडर हुआ उ आया मुसलमान मुल्क के विच में या उन लीडर्स के विच में अंडरस्टैंडिंग पैदा कर खास तौर पर अरब दुनिया के लीडर्स के विच में अंडरस्टैंडिंग पैदा कर में भुट्टो साहब अहम रोल प्ले करेडिटेड फॉर development of 1973's constitution which officially sketched pakistan's structure as federal republic 1973 je ain khan mein pakistan jo ko behtar ain ho hi ko ye samjho to baghair ain je mulk pe halyo ai federal republic waro jo ko dhancho hai structure hundo a wo to ho hi ko nahi riyasat jo to Bhutto sahab 1973 mein ekdo gadyal yani ke raspe sa ekdo ain aando उनके क्रेडिट वे तो हालांकि उनके गाले सके तो उनमें इलाही सारी शूं अड़ी हुई जिन्हें अगत हली कर फेडरल लेवल से सिंध के शहर के नुकसान पहुंचाई बिन सूबन के शहर के नुकसान पहुंचाया जो कंकरंट लिस्ट हुई वह वे जमाने तक अरड़ी तरमीम के वक्त तीन खत्म न थी सके सो यो विच में जो जमानो हो उनमें प्रोविंसिस हुआ उन शहर फेडरल गवर्नमेंट खाईंदी रही पर बहरहाल एक आइन आन गडियल राजपे से आइन आन बड़ो वो कारनामो हो ही वॉज क्रिटिसाइज बाय यूएसए एंड वेस्ट बिकॉज ही इनिशिएटेड न्यूक्लियर प्रोग्राम इन पाकिस्तान जडे इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर तो उनको ये खड़ी चाहिए तो मौजूद या उन स्टार्ट करने वो भुट्टो साहब पा हो भुट्टो साहब जो सख्त इन हवाले से मौकुफ़ हो वेस्ट के तरफा या अमेरिका के तरफा उनके थ्रेट्स इंदा रहा पर उन थ्रेट्स के न वेट नो चो प्रोग्राम है वो हल्द रो नतीजतन आखिर में जो कोप थो या ये खड़ी चाहिए तो गवर्नमेंट द्वारा उनके हटाए वो उनमें एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर यो भी चीज तो वेस्ट खास तौर पर अमेरिका भुट्टो साहब का इन प्रोग्राम के खुश न ऑन जुलाई 1977 Bhutto was deposed in a military coup by his appointed army chief Zia-ul-Haq and then he was executed by Supreme Court of Pakistan on 4th April 1979 on the basis of a weak case of murder conspiracy han yo jo kisso hai ta 5 जुलाई 1977 अड़ो जर्नल जो पा अपॉइंट किया हो उन्हें अची कर भुट्टो साहब गवर्नमेंट जो तख्त ऊंधो कर जाहिर सिर्फ ज़िया-उल-हक न हों बिहार जर्नल उनसा गड हूँ जिन्होंने गजी कर यो कम किया उनके पोया आलमी ताकत जो हथ थी सके तो कोई खुश को भुट्टो साहब में उ इो ही वो जमानो हो जै उन पॉलिसी चेंज कर सोवियत यूनियन के कंटेन कर पे चाहो इनमें अफगानिस्तान में शायद भुट्टो साहब के हाथ एतो आसान न थे इन जी Zia-ul-Haq के जमाने में इन आसानी से मजे से उनके कंटेन किया एडी वी मूवमेंट हुई मुजाहिदीन वारी वह थ्रू पाकिस्तान हलराई सऊदी अरब अमेरिका गजी कर हलराई शायद भुट्टो साहब के हाथ एतो आसानी से वह मूवमेंट न हलए सन Zulfiqar Ali Bhutto उनके अगर शायद रंडक या दीवार तौर से पहुंचे सो उन इवेंट्स गडियल इनमें अंदाजा लगे भुट्टो साहब जो ये गवर्नमेंट जो वन या उनको शहीद थे शुभ एक जुड़ियल पा में गंढ़ियल
Muhammad Ibrahim Joyo. Muhammad Ibrahim Joyo was a famous teacher, scholar, researcher, and writer. He was born on 13th August 1915 in village Abad near Lucky, Dadu. Here to go, Dadu, Lucky or like Yamshore Zilimia, Unzamane Mio, Dadu. He got education from Lucky and Son. He then passed his matriculation from Sindh Madrasatul Islam in 1934. In 1938, Joyo passed BA from DJ College, Karachi. He went to Bombay for TP education. He was appointed as teacher in Sindh Madrasatul Islam in 1941. And you, teacher thani vadi gal hui. पढ़ने वाली गाल हुई जो को मोहम्मद इब्राहिम जोय साहब जो को बैकग्राउंड आए एलो को अमीर ना होया उन बावजूद मुख्तलिफ जायन ते पढ़या ग्रेजुएट था जो को सिंध मदरसे में जो को एज टीचर अपॉइंट थे या वाली वाली गाल हिज बुक सेव सिंध एंड सेव कॉन्टिनेंट प्रेजेंटेड अ डिफरेंट बट रैशनल सॉल्यूशन एंड सब कॉन्टिनेंट टू फ्री स्टेट्स countries of South Asia as these were occupied by British government. And he context some sense of here. Saint Ibrahim Joye 40s mein, 90s, 1940s mein, Pakistan turn, India turn, ka aga mein ek log book likhyo, Save Sindh and Save Continent. And yo jo context ho, yo some sense of here. Un dor mein, ya un kha aga mein, sirf bad dhara hoyo. Hikdan jo yo chaman hoyo, India tute na, hikdo alag mulk tor aza. मुस्लिम लीग जो चवण हो न अस इंडिया में रहद मुसलमान आज सब कॉन्टिनेंट में रहद मुसलमान आज उनके अलग मुल्क ठाए दिजे पर जोय साहब एक थर्ड सॉल्यूशन पेश किया वो तो साई जो चवण यो किताब में तो इंडिया तारीखी तौर से एक अलग मुल्क रो ही ना है इंडिया या सब कॉन्टिनेंट आजाद रियासतन जो ये खड़ी चाहिए तो हिकड़ो गुलदस्तो रहियो आहे जंहिंमें मुख़्तलिफ़ जेके आज़ाद रियासतूं या मुख़्तलिफ़ मुल्क रहिया आहिनि ही सिर्फ़ु उन्हनि ज़माननि में हिकिड़ो गॾियल हिंदुस्तान रहियो आहे जॾहिं ॿाहिरियनि अची करे कब्ज़ो कयो हुजे ऐं उन्हनि पंहिंजी इंतिज़ामी सहूलियत जे लाइ सभिनी रियासतनि खे गॾाए करे हिकिड़े मुल्क तौरु हलाइण जी कोशिश कई हुजे उन में ॿ एग्ज़ाम्पल ॾिनल आहिनि हिकु इहो मुग़लनि जे ज़माने में ईअं हुयो ॿियो ब्रिटिश गवर्नमेंट जे ज़माने में इहो ईअं हुयो मुख़्तलिफ़ रियासतनि खे नेशनल स्टेट्स के पान में गदाए करे हिकड़े मुल्क तौर हलाने की कोशिश पे कई हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफा सिर्फ पेंजी इंतजामी सहूलत के लिए न तो तारीखी तौर ते हते तारीखी कौमी वतन रहा है ना उन्हन के उन्हन ही सूरत में आजाद थन घुर्जे जड़ी सूरत में ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ते कब्जो कयो साईं जो मौकफ ई हो साईं जो मौकफ ई हो तो हिंदू मुसलमान वाला जो चक्कर आ यो जो इख्तलाफ आ यो खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पेंजो पैदा कयल है जिकर गडियल हिंदुस्तान तौर आज़ादी मिले थी हिंदुस्तान के तदह भी यो गलत था या जेकर ही मुल्क धार थे तो पाकिस्तान हिंदुस्तान ठहन था तदह भी यो गलत था छाकाण जिन तरीके से इंडिया ते या सब कॉन्टिनेंट ते ब्रिटिश गवर्नमेंट कब्जो कयो उन तरीके से हम कोन छड़ींदा तो यो एक नॉन कॉन्टेक्स्ट हो उन वक्त में उन वक्त में तमाम घना साई के थ्रेट मिलिया इलाही सारा मान मुखालफत कई नौजवान छा पो लिखे उन दौर में जो साहब नौजवान हो पर एक बेहतरीन किस्म जो कॉन्टेक्स्ट दिनो उन कॉन्टेक्स्ट साबित कयो तो जो थे हा जी मोहम्मद इब्राहिम जोय साहब पे किताब में लिखो हो तो न ही इंडिया पाकिस्तान के विच में जंगू लगन हा न को इतने सूबो बिन सूबे जो इस्तेसाल करे हा न मजहब के बुनियाद से इतने का जो सियासत थे हा कुछ भी अड़ो न हो जो हिंसर है खास तौर से गुजरियल सत्तर सतहत्तर साल में जो इंडिया पाकिस्तान में रो है या हो यो न हो इन्हीं प्रपोजल से कम करे हा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो भी है ना मिसाल तौर अरड़ सौ टेताली में सिंध के आजाद मुल्क की हैसियत में ब्रिटिश गवर्नमेंट अची कर कब्जो किया उन्हें जमाने में बया जी आजाद मुल्क हुआ उन्होंने अची कर कंट्रोल किया हो बंगाल हो पंजाब हो या बया जी इलाका या मुल्क हुआ उ आजाद कौमी रियासत हुई उन्होंने अची कर कब्जो किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के करण खपंद हो तो जै तरीके से उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में मुल्क कब्जो किया कंट्रोल किया अड़े ही तरीके से उन्होंने आजाद करण खपंद हो पर उन्होंने ये न किया उन्होंने हिंदू मुसलमान जो फसाद पैदा कर अग्न हली कर
जेको आहे कांग्रेस ऐं मुस्लिम विच में झड़ा कराए, उन विच में फॾा कराए, ॿ मुल्क ठाहे छॾियो ऐं उहे ॿ मुल्क पाण में अञा ताईं विढ़ंदा अचनि। ऐं उहे ॿ मुल्क अहिड़ा आहिनि जेके क़ौमी रियासतूं न आहिनि, न हिंदुस्तान क़ौमी रियासत आहे, न पाकिस्तान क़ौमी रियासत आहे, नेशन स्टेट न आहिनि, फेडरेशन आहिनि, हू यूनियन आहे, यूनियन ऑफ इंडिया चयो वेंदो आहे, उहो फेडरेशन वारे स्टाइल में ठहियलु आहे, ऐं पाकिस्तान हिकु फेडरेशन आहे मुख़्तलिफ़ क़ौमुनि जो, ईअं सम्झो त हिकिड़ो जुगटो आहे जंहिंमें मुख़्तलिफ़ क़ौमूं हिन फेडरेशन में शामिल आहिनि, नेशनल स्टेट्स न आहिनि। पर जेकॾहिं इन किताब ते इन मौक़ुफ़ ते केरु उन ज़माने में ध्यानु ॾिए हा का मूवमेंट हले हा, त इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश इंडिया में आज़ाद क़ौमी रियासतूं ठहनि हा, ऐं न ही हिंदू मुस्लमान वारो चकर थिए हा, न मज़हब जे बुनियाद ते केरु सियासत करे सघे हा, न मौको मिलियो। सेक्रेटरी ऑफ सिंधी अदबी बोर्ड इन 1951 जो रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, अगेन ही वॉज ऑफर्ड द सेम जॉब अ नंबर ऑफ टाइम्स। ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ सिंधी अदबी बोर्ड टिल 1973। ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व विथ सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड सर्व एज चेयरमैन ऑफ द सिंधी अदबी बोर्ड। त ही साईं जो करियर आहे, उनजा ही पासा आहिनि त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में सिंधी अदबी बोर्ड सां लाॻापियल रहिया ऐं उन जे लाइ जेको आहे कमु कंदा रहिया, ऐं उन खां अलावा जेको सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड आहे उन जे लाइ कमु कंदा रहिया ऐं अदबी बोर्ड जा चेयरमैन बि रहिया। जोयो हैज़ ट्रांसलेटेड एंड रिटन अ नंबर ऑफ बुक्स। ही हैड मैनी ट्रांसलेशन्स ऑफ फेमस यूरोपियन बुक्स टू हिज क्रेडिट। He has been writing on Sindh and for Sindhi people for 70 years. 70 salan jo jo sai jo career ahe, balki unkhan vadhik unme sai Sindh je lai, Sindhi manan je lai, unhan hakkan je lai likhnda raha hai, Sindhi boli te likhnda raha hai. He was died on 9th November 2017. 102 salan ji jamar mein jo jo sahab jo hua wafat kare gaya 2017 mein. Rasool Bakhshpali jo जेकी हाणे जेकॾहिं सिंध में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स जी ॻाल्हि कजे, उन में पलीअ साहब जो नालो अचणु इंतिहाई ज़रूरी आहे। रसूल पली जो वॉज़ पाकिस्तानी लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट लीडर, स्कॉलर एंड राइटर। ही वॉज़ अ लीडिंग ह्यूमन राइट्स लॉयर एंड द लीडर एंड फाउंडर ऑफ अवामी तहरीक। ही वॉज़ बॉर्न ऑन 20th January 1930 इन झुमशाई ठट्टा, ठट्टे में जेको आहे पली साहब पैदा थिया 20 January 1930 में। He received his early education at his village and the secondary education at Sindh Madrasatul Islam in Karachi. Pali jo did his law graduation from Sindh Law College, Karachi. He was one of the leading founders of Awami National Party, Sindh Mutahida Mahaz, Sindh Qaumi Ittehad, Bazme Sufiyae Sindh, Poonam, Sindh Adbi Sangat, MRD, Anti One Unit Movement, ऐं ॿियूं इलाही सारियूं तहरीकूं जेके हलंदियूं रहियूं या जेके पोलिटिकल जेके ग्रुप्स ठहंदा रहिया, इतिहाद ठहंदा रहिया, पली जो साहबु हुन में एक्टिव रहंदो हुयो ऐं पली साहब जो जेको रोल हुयो उन्हनि तहरीकनि में हिकिड़े एक्टिव पोलिटिकल लीडर वारो हुयो ऐं गाइड वारो हूंदो हुयो, छाकाणि हेॾा सीनियर अॻवान रहिया। ही फाउंडेड अवामी तहरीक, सिंधियाणी तहरीक, एंटी ग्रेटर थलकेनाल तहरीक, कालाबाग डैम एक्शन कमेटी। हाणे पली साहब जे क्रेडिट ते जेका हिकिड़ी शइ वञे थी, हू इलाही सारियूं शयूं पली साहब जी लाइफ में आहिनि, उनमें औरतुनि जी जेका पार्टिसिपेशन आहे पॉलिटिक्स में, उनखे इंश्योर करण में पली साहब जो वॾो रोल हो। सिंध में मुख़्तलिफ़ जायुनि ते जेको आहे औरतुनि खे पॉलिटिकली एक्टिव करण जे लाइ, उनजी कैपेसिटी बिल्डिंग जे लाइ पली साहब पाण पतोड़ींदा रहंदा हुया ऐं उन्हनि जे लाइ मुख़्तलिफ़ फोरम्स ठाहींदा रहंदा हुआ। उनखां अलावा जेको वाटर केस आहे सिंध जो, जेको पाणी केस आहे, उन ते वॾे मां वॾी एक्सटेंसिव जेकॾहिं कंहिं माण्हू जदोजहद कई आहे तो पली जो साहब आहे। इहो डैम जॾहिं अञा ऐवाननि में लिक में कैबिनेट मीटिंग्स में जॾहिं इहो डिस्कस पिए थियो, त उतां ऐवाननि में इहो केस कढी करे सिंध जे रोडनि रस्तनि ते जेकॾहिं केरु माण्हू खणी आयो त पली जो साहब हुयो। ही प्लेड रोल ऑफ पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन फॉर यूथ एंड वूमेन, पर्टिक्यूलरली फॉर देयर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड गाइडेंस। पली जो साहब हिकिड़ो इदारो हुयो पंहिंजी शख़्सियत, हज़ारनि जी तादाद में नौजवान ऐं जेके नियाणियूं औरतूं हूंदियूं हुयूं पली जो साहब खां उन्हनि जेको आहे सिखियो। उहे पोइ बाद में मुख़्तलिफ़ जायुनि ते वञी करे कमु कंदा हुआ ऐं
मुख्तलिफ़ जाइन ते वही करे रोल प्ले कंदा हुआ भले करे उहे आवाम तहरीक में हुजनि या न हुजनि ॿाहिरीं पार्टियुनि में वञी करे कमु कनि या किथे उस्ताद तौरु कमु कनि या ॿिए कंहिं इदारे में कमु कनि पर उन्हनि जी जेका बुनियादी कैपेसिटी बिल्डिंग पलियो साहब जे तरफ़ां थींदी हुई ऐं अहिड़ा हज़ारे नौजवान सिंध में पलियो साहब तयारु कया. He was author of more than 40 books on numerous subjects ranging from literature to politics, prison diaries, culture and poetry. He died on 7th June 2018. Hane jo police sada jeke lekh hain ai jeke unjo writings hain ya books hain ai ekdo zaman hoyo mukhtalif nalan sa police sahab likhndo rahndo ho छो त मार्शल लॉ जे ज़माने में उन खां अॻु में पोइ हिकिड़ी पोलिटिकल कंफ्रंटेशन मुख़्तलिफ़ पार्टी सां हूंदी हुई उहो नाला कोन थो खणणु चाहियां पर इहो चयो थो वञे हाणे वधीक जेके अवामी तहरीक जा दोस्त ॿुधाए सघनि था त पलियो साहब मुख़्तलिफ़ नालनि सां बि बुक्स ऐं आर्टिकल्स लिखंदो रहंदो हो ऐं उन दौर जो ट्रेन हूंदो हो पोलिटिकल लीडर्स ऐं राइटर्स मुख़्तलिफ़ नालनि सां लिखंदा रहंदा हुआ त जेकॾहिं ईअं जोड़जे त वॾो मवाद आहे जेको पलियो साहब जे नाले सां आहे ऐं सी पी सी एस हिकिड़ो इदारो आहे जामी चाडियो हुनखे लीड कंदो आहे उन मवाद खे या उन आर्टिकल्स खे उन राइटिंग्स खे सहेड़ण जी कोशिश कई आहे ऐं हुनजा ॿ टे वॉल्यूम्स छपियल आहिनि पलियो साहब जी जेके राइटिंग्स आहिनि हुननि जा लेख आहिनि हुननि जा. ही डाइड ऑन 7th June 2018 7 June ते पलियो साहब जेको आहे वफ़ात करे विया हुनजी डेथ थी. उन खां पोइ आहे शेख अयाज. Sheikh Ayaz was famous Sindhi poet, writer and scholar. He was born on 2nd March 1923 in Shikarpur, Sindh. His poetry was considered a voice of resistance and voice of Sindh rights in 60s and 70s. Khair hu baad mein poetry ke padhyo pe vyo 80s and 90s mein par joko 60 70 jo joko dahako hoyo khas taur te joko dahako hoyo one unit ke khilaf उन में जेको मूवमेंट हली पई उन ज़माने में शेख अयाज़ जी जेका शाइरी हुई 60-70 जे ॾहाके में तमामु घणी पॉपुलर थी. बाद में मुख़्तलिफ़ ॻाइणनि अची करे मुख़्तलिफ़ सिंगर्स अची करे हुनखे ॻायो बि सही सरमा सिंधी जी मिसाल आहे 80s में 90s में पर 60-70 जे ॾहाके में ईअं चइजे त जेको शाइरी ख़ुदि जेको शेख अयाज़ साहब पाण कई पई जेके किताब दौर में जेके छपिया पिए इहो अरूज हुयो उन ज़माने में शेख अयाज़ जी शाइरी जो ऐं उन खां पोइ 70s खां पोइ शेख अयाज़ जी जेका शख़्सियत आहे उहा थोरी कंट्रोवर्शियल थी वई उन ते मुख़्तलिफ़ नक़ादनि अची करे लिखियो ऐं उहा शाइरी बि उन लेवल जी बाद में न छपी सघी शेख अयाज़ जी जेका 60s-70s में छपजंदी हुई. त इहे ॿ जेके ॾहाका आहिनि इहे शेख अयाज़ जी शाइरी जे हवाले सां मनसूब करे सघनि था. हिज़ लिटररी करियर स्पेंड almost 6 decades and covered a wide range of poetry and prose forms ranging from traditional bait wai nazm azad nazm and ghazal to plays in verse. He wrote short stories, operas, essays, poetry, diaries and autobiography and translation of Shah Jore Sahab in Urdu. He also wrote poetry in Urdu which is spread to two books, Boy-e-Gul, Nala-e-Dil and Neelkanth or Neem ke Patte. His translations of Shah Jo Risal from Sindhi to Urdu language established him as an authority in his domain. Hane jeko Sheikh Ayaz jo kam aahe wo shayari te hui aahe unke alawa nasr mein jeko likhyo aahe शेख अयाज़ ऐं जेको तर्जुमो आहे लतीफ़ साईं जी शायरी जेको शेख अयाज़ उर्दू में कयो उहो तमामु घणो मशहूरु थियो पॉप्युलर थियो उनखे तमामु घणी पज़ीराई मिली. मोर देन 30 बुक्स ऑफ शेख अयाज़ पोएट्री वर पब्लिश्ड. 30 खां वधीक सिर्फ़ ख़ालिस शायरी या किताब जेके आहिनि शेख अयाज़ जा छपिया विया. ही डाइड ऑन 28th December 1997 ते 1997 में शेख अयाज़ साहब जी जेको आहे वफ़ात थी आहे. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वॉज़ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन फ्रॉम लाड़काना सिंध. शी वॉज़ बॉर्न ऑन 21st June 1953.
तो 21 जून 1953 में जो मोहतरम बेनजीर भुट्टो की पैदाइश थी है. He studied at Harvard University and University of Oxford, where she was president of Oxford Union. उन ज़माने में जरा शागिर्द हुई मोहतरमा, उन ज़माने में भी सोशल इलाही एक्टिव हुई, उते जगह शागिर्दन जी यूनियन ठहर हुई ऑक्सफोर्ड में, उते जो पाण उन यूनियन जी प्रेसिडेंट भी रही. आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा वॉज रिपीटेडली इम्प्रिज़न्ड बाय ज़ियाउल हक मिलिट्री गवर्नमेंट एंड देन एक्साइल्ड टू ब्रिटेन इन 1984. भुट्टो साहब जी शहादत खां पो मोहतरमा जब पाकिस्तान में आई, सिंध में आई, तो मुख्तलिफ वक्तन ते उनके गिरफ्तार कयो वियो. 1984 में खेस मुल्क बदर कयो वियो, एक्साइल कयो. She returned in 1986 and eventually she led her party to victory in the 1988 election and became first lady prime minister of Muslim world. 1986 mein wapas aayi hai, tamam vag Lahore mein istiqbal kiya gaya un zamane mein mohtarma jo, and 1988 jaga election wa khate kare aayi, and jo islami duniya ji pehli aurat wazir azam taur jo hun halaf khayo. She was not liked by conservative and extremist people in Pakistan. Her government was dismissed by Ghulam Isa Khan in 1990. Hani he jeke Zia ji jeke paidawar cheje ya jeka Zia ji baqiya cheje unhan ke muhtarma ji shakhsiyat na wandi un chahinda wa tigri aurat ai uha people's party ji huje uha bi sindhi aurat achi kare inhan ke lead kare inhan ji government te achi kare ve प्राइम मिनिस्टर हुए उनकी कत या शे कबूल न हुई. सो उनके करे नेट 1990 में मुख्तलिफ बहाना ठाए इल्जाम हणी करे संदन गवर्नमेंट जेका है मोहतरमा जी उन्हें डिसमिस कई, वह डिसमिस करायूं गुलाम इसा खान के थ्रू. इंटेलिजेंस सर्विसेज रिग्ड दैट ईयर्स इलेक्शन टू एंश्योर विक्ट्री फॉर द कंजर्वेटिव इस्लामिक डेमोक्रेटिक अलायंस IGI, at which Bhutto became a leader of the opposition. Hane 1990 mein pore jaga election thi unme ekdo vado jo IGI jo ekdo conservative ekdo unhon ittehad tharayo un mazhabi jamaaton Nawaz Sharif pya je ke group mein shamil kare u muhtarma je ado ando election mein rigging je zariye unke khatraye kare IGI ke ai government diaryo muhtarma un government mein as opposition leader taur samu aaye. After the IGI government of Prime Minister Nawaz Sharif was also dismissed on corruption charges, Bhutto led the PPP to victory in the 1993 elections. Aakhir mein hun sab jo sab IGI jo kam kayo unan to unan sa jara Nawaz Sharif na pe thayo establishment sa to un ji government wahi wo wari 1993 ka election thi unme PPP khate aaye ai pore bio dafo muhtarma wazir azam taur samu aaye. Her government was dismissed again in November 1996. Then she lost 1997's election, and in 1998 she went into self-exile. हाणे ही जेको ज़मानो आहे 1996 जो, इन में मीर साहब जी शहादत थी आहे. मीर साहब खे शहीद कयो वियो, ऐं मीर साहब जी शहादत जो बहानो करे ऐं ॿिया बहाना करे मोहतरमा जी गवर्नमेंट खे बि जेको आहे 1996 में ख़तमु कयो. 1997 जेका इलेक्शन थी उनमें पीपल्स पार्टी न खटे सघी, ऐं 1998 में मोहतरमा जेको आहे जलावतन थी करे पाण जलावतन थी करे दुबई हली वियो. उनखां पोइ ॿियनि मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में पाण रहंदी रही, जंहिंमें यूके बि शामिल आहे, अमेरिका बि शामिल आहे. शी रिटर्न टू पाकिस्तान इन 2007 एंड वॉज गोइंग टू कंटेस्ट इन इलेक्शन ऑफ 2008. 2007 में जॾहिं मोहतरमा वापसि आई आहे मुल्क में, त संदन इरादो हुयो त 2008 जी इलेक्शन में हिसो वठे, ऐं उन इलेक्शन खां ई अॻु में मोहतरमा खे रावल पहिरीं कराची में अटैक कयूं, उते जॾहिं मोहतरमा खे शहीद करण में नाकाम विया हुन दुश्मन, पोइ रावलपिंडी में मोहतरमा ते अटैक थियो, ऐं 27 डिसंबर 2007 ते मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे शहीद कयो वियो. अब्दुल सत्तार ईदी, हाणे सिर्फ़ ईअं न सोचियो त जेके राइटर या
पॉलिटिशियंस हूँ सिर्फ लेजेंड्स हूँ पर अस मू जो सोशली या ह्यूमनिटेरियन बेसिस कम कन लेजेंड्स उन्होंने कम के जरिए हजारे लखे मानन के फायदो दिन उन्होंने मानन में अस अब्दुल सत्तार ईदी साहब जड़ो बो को मू ही ना अब्दुल सत्तार ईदी साहब पैं रोल के जरिए कैरेक्टर के जरिए इंसानी जज्बे के जरिए हजारे लखे मानन के फायदो पहुंचाए अब्दुल सत्तार ईदी वाज रिनॉन्ड सोशल एक्टिविस्ट एंड ह्यूमनिटेरियन फिगर तमाम बड़ो इंसान दोस्त समाजी भलाई लाइ कम कंदड़ मानू हो अब्दुल सत्तार ईदी साहब ही वॉज बॉर्न ऑन 28 February 1922 इन प्रेजेंट डे गुजरात उन जमाने में जो जो पैदा थे हुआ तो हिंसर गुजरात जो इलाको है जिते पैदा थे हुआ बाद में जरा इतने लड़ी कर अची बैठा लाइफ है अब्दुल सत्तार ईदी साहब की समझो तो सजी इंसानी खिदमत में गुजरी है He founded ईदी Foundation in 1951. 1951 में ईदी Foundation जो बुनियाद विधो अब्दुल सत्तार ईदी साहब विच रन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलंटियर एम्बुलेंस नेटवर्क दुनिया जो वे में वो रजाकार एम्बुलेंस नेटवर्क है वो ईदी Foundation जो इो ते सवाल पुछी सके तो दुनिया जो वे में वो जो वॉलंटियर नेटवर्क है एम्बुलेंस जो वो किथे आ वो पाकिस्तान में आ उन्हें के लीड करे थी उन्हें के हलाए थी ईदी Foundation जेका अब्दुल सत्तार ईदी साहब कायम कई ही हैड बीन सपोर्टिंग थाउजेंड्स ऑफ पुअर फैमिलीज वुमेन एल्डरली एंड चिल्ड्रेन थ्रू फाउंडेशन एक्सटेंसिव नेटवर्क हजारों की तादाद में जेके सतायल मानू था गरीब हूं औरतू होंद उनमें बुजुर्ग हूँ बार हूँ उनकी वसी नेटवर्क के जरिए मदद कंदा रहा ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस इन पाकिस्तान एंड एक्सटेंडेड हिज सपोर्ट टू विक्टिम्स ऑफ हरिकेन कैटरीना ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द 1985 फेमिन इन इथियोपिया आलमी तौर पर जो ईदी का पुजी हो ईदी साहब का जो पुजी हो उनकी कि मोरल सपोर्ट कहवा कि माली मदद जिथे कर हुआ छाण ईदी के अंदर ईदी साहब के अंदर ईदी के अंदर मजहबी तासुब मजहबी उता पसंदी बिल्कुल न हुई ये इन प्योर हार्टेड मानू हुआ इंसानी खिदमत यकीन रखना मानू हुआ में अड़ी जो तासुब या नफरत जो को मादो न होंद हो हमेशा मजहबी भाईचारे के इंसान के विच में जो मोहब्बत के नाते के इंसानियत के प्रमोट कंदा सिंस इट्स इंसेप्शन द ईदी Foundation हैज रेस्क्यूड ओवर 20,000 एबॉर्डेंट जो इन्फंट्स रिहेबिलिटेटेड ओवर 50,000 orphans and has trained over 40,000 nurses. We have thousands of yatim baran ke jo ka idhi sa pehle lifetime mein jo ka adopt kar chuka hua aur unhe adopt kare unhon bado kayo. Aur 50,000 ka vadhi yatim baran ke support kayo aur 40,000 ka vadhi nurses man matlab jo nyani hui nurses hui unhon ke unhon taiyar kayo aur train kayo. Ye ko bado contribution aaye. पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो जो गायन घुर्जे उनके रिकग्नाइज करना घुर्जे हाँ ईदी Foundation आल्सो रन्स मोर देन 330 वेलफेयर सेंटर्स थ्रू आउट रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ पाकिस्तान दैट ऑपरेट एज फूड किचन्स रिहेबिलिटेशन होम्स शेल्टर्स फॉर अबॉर्डन वुमेन एंड चिल्ड्रेन एंड clinics for mentally and physically handicapped hane 330 ka vadhik welfare centers hain unme mukhtalif qisam jo sahulatun mukhtalif qisam je maanan ke dinu vidyo hain unme jeke orphans hain yatim hain bilkul hain kamzor hain ya ikli jeke gareeb hain ya ehda jeke mentally and physically jeke ye samjho mazoor hain unhan ji help je laye unhan ji madad je laye
जेके औरतूं आहिनि मदद जे लाइ इहे सेंटर्स खुलियल आहिनि ऐं डेली बेसिस ते हज़ारनि जी तादाद में जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जी सपोर्ट थींदी आहे हिननि सेंटर्स जे थ्रू. बाए द टाइम ऑफ हिज डेथ इदी वॉज रजिस्टर्ड एज अ पेरेंट और गार्डियन ऑफ नियरली 20,000 adopted children of whom he was an active caretaker. Kehen bhi manu ja 20,000 baar na hunda par idhi sahab ja hua uhe baar jinan ke unja mait kachre je dabban mein masjidan je agya mazaran je agya rodan de chale raha unhan ke idhi sahab paan wat panje sine sa lagaye kare unhan ke adopt kayo unhan ke panjo nalo na ehda azim manu tamam ghat paida thanda hai idhi sahab ja. Idi was one of most respected personalities in Pakistan and South Asia. Idi sahab na sirf balki South Asia balki puri duniya mein tamam ghani respect kai vendi hui tamam ghani jeko unji izzat kai vendi hui panje unjo role je kare unjo character je. He died on 8th July 2016. Idi sahab ji 8 July 2016 mein jeko wafat thi. हाणे इहे कैरेक्टर्स हुया, इहे असांजा सूरमा हुया, इहे लेजेंड्स आहिनि जिन्हनि ते असां ॻाल्हायो. हाणे सुभाणे इनशाला वरी कंहिं ॿिए मौज़ू सां पाण गॾु हूंदासीं ऐं इहे इनशाला पंहिंजा जेके सोशल स्टडीज़ जा जेके क्लासिस आहिनि उहे हलंदा रहंदा. सो सुभाणे ताईं जे लाइ अलाउ आहे.